नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिंगल है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और इसका पर्पस होता है कि हम आम पब्लिक को ये संदेश पहुंचा सकें कि स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कि व्यक्ति के जीवन के अंदर डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, उसको अपाहिज अपंग बना सकती है, और अगर हम सही समय पर इलाज करें, सही समय पे उसको रोकने के प्रयास करें तो स्ट्रोक से बचा जा सकता है। शायद आपको ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि हम पॉपुलेशन की जब बात करें तो लगभग एक हर पांच में से एक व्यक्ति स्ट्रोक के रिस्क पर है। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि 50 वर्ष से ऊपर ही होती है, 60 वर्ष से ऊपर होती है। स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है और जो हम देख रहे हैं कि लगभग 30% स्ट्रोक 40 वर्ष से कम उम्र के लोग में हो रहे हैं, उन सालों में हो रहे हैं जो हमारे लिए सबसे प्रोडक्टिव इयर्स होते हैं। स्ट्रोक के जो मुख्यतः रिस्क फैक्टर्स हैं वो लगभग सभी को अब ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल की वजह से होने लगा है, बट 100 में से 90 यानी कि लगभग हर 10 में से 9 स्ट्रोक सिर्फ उन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करके कम किए जा सकते हैं या रोके जा सकते हैं। स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें मेजरली हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और वेस्ट हिप रेशो, यानी कि आपकी जो वेस्ट है वो आपके हिप से ज्यादा बड़ी है और उसका भी एसोसिएशन स्ट्रोक के साथ ढूंढा गया है। इन सबके अलावा हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन के साथ भी कुछ संबंध बढ़ते हुए पॉल्यूशन का भी स्ट्रोक के साथ जोड़ा जा रहा है। यदि हम इन सभी रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर दें, ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छे से कंट्रोल करें, बिल्कुल अच्छे से डायबिटीज रोकें, कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम LDL लो डेंसिटी लिपिड कहते हैं वो लगभग सब में 100 से कम रखें, लगभग हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट से अधिक की विग्रस एक्सरसाइज करें, बिल्कुल भी बीड़ी सिगरेट ना पिए, समय पे सोएं, स्ट्रेस ना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अगर संभव हो सके तो पॉल्यूशन से बचें, तो हो सकता है कि हम इस स्ट्रोक की महामारी, मैं न्यूरोलॉजिस्ट होने के वजह से स्ट्रोक को एक महामारी ही समझता हूं, वो बात अलग है कि कोविड की महामारी कम होती जा रही है लेकिन स्ट्रोक की महामारी कोई कम नहीं हो रही है, तो हम शायद बहुत बड़ी संख्या में स्ट्रोक से होने वाले नुकसान को कम कर सकें। इसको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, किस प्रकार के कदम उठाने हैं, इन सबको जानने से पहले खुद को कहीं ये दिक्कतें तो नहीं है, इसके लिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी जरूरी है, सिगरेट पीते हैं तो उसे रोकें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। धन्यवाद।